Hello students, so today we are going to read about citizenship. Okay, every person living in India is not a citizen. हर वो आदमी जो इंडिया में रहता है वो हम उसे नागरिक नहीं कह सकते. Out of this people most are Indians and some are foreigners. तो जो लोग इंडिया में रहते हैं उसमें से कई लोग क्या है, इंडियंस हैं और कुछ आप कह सकते हो फॉरेनर्स हैं. ठीक है, फॉरेनर्स यानी कि जो बाहर के देशों से आए हुए लोग हैं. मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड स्टे फॉर सम टाइम. कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में आए हैं और यहाँ आके वो रुके हुए हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो रुके हुए हैं, तो जिसको हम बोल सकते हैं टेम्पररी से, यानी कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर स्टे करते हैं. दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस, होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट और एन्जॉय अदर राइट्स, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन्स. तो ऐसे लोग जिन्हें हम जो टेम्पररी स्टे करते हैं, इन लोगों के पास वो अधिकार नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि दे डोंट हैव राइट टू वोट, उनके पास उनको वोट करने का अधिकार नहीं है. दे डोंट हैव पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस, वो इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते. दे के नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट, मतलब उनको कोई भी गवर्नमेंट की कोई पोस्ट हासिल नहीं हो सकती, ना तो वो कोई अधिकार उनको मिल सकते हैं, इसीलिए उनको इंडियन सिटीजन्स नहीं कहा जाता. दे आर सिटीजन्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज़, वो कहाँ के सिटीजन्स हैं, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ के सिटीजन्स होंगे. पीपल फ्रॉम यूरोप, यूएसए, रशिया, जापान एट्सेट्रा कम टू इंडिया टू स्टडी. बहुत अलग अलग देशों से इंडिया में लोग पढ़ाई करने आते हैं, विज़िट करने आते हैं यानी घूमने आते हैं, या फिर अलग कुछ काम करने आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने आते हैं. अब कहाँ से, तो जैसे यूरोप है, यूएसए है, रशिया है, जापान है, तो ऐसे ही कई देशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं या दूसरे काम करने आते हैं. एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन्स. तो जो एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसडर्स का मतलब होता है दूत, यानी जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो हमारी कंट्री में आके रुकते हैं, एज अ दूत का काम करते हैं. दूत का मतलब होता है जो दूसरे, मतलब है दूसरी कंट्री के, लेकिन वो दूसरी कंट्री के बारे में हमको कुछ बता रहे हैं और हमारी कंट्री से वो उनको कुछ बता रहे हैं. ओके, सो एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, मतलब वो दूसरी कंट्री से आके हमारे यहाँ रहते तो हैं पर वो हमारी कंट्री के सिटीजन्स नहीं हैं. ओके, सिटीजनशिप मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री टू एन्जॉय द राइट्स गिवन बाय अ स्टेट. तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये आपको एक टाइप का हक देता है, राइट देता है कि आप परमानेंटली किसी कंट्री में रह सकते हो. अब ये हक आपको कौन देता है, आपको स्टेट देता है जिस स्टेट में आप रहते हो. एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंट्रस्टेड टू अ पर्सन, और आपको ये भी अधिकार देता है कि आप कोई भी, मतलब जो ड्यूटीज़ है आपकी वो परफॉर्म कर सकते हो, पूरी कर सकते हो. ठीक है, अ पर्सन गेट्स और loses a citizenship according to the rules prescribed in the constitution of India. तो जो भी कोई भी नागरिक, वो उसको citizenship यानी नागरिकता हासिल हो सकती है या फिर उसे छीन भी सकती है, ये जो rules हैं ये हमारे भारत के संविधान में prescribe किए गए हैं, यानी लिखे गए हैं, बताए गए हैं. okay, according to the constitution single citizenship is given by the union government to all citizens of India. तो हमारे संविधान के हिसाब से ये जो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एक जो नागरिकता है, वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत के जितने सिटीजन्स हैं उनको दी गई है. सिटीजन्स मे बिलोंग टू गुजरात और महाराष्ट्र बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट ड्यूअल सिटीजनशिप. किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान, यानी कि या तो हो सकता है वो गुजरात से हो सकता है महाराष्ट्र से हो सकता है किसी भी राज्य से हो, तो मतलब उसको किसी एक राज्य की सिटीजनशिप मिल सकती है. ऐसा नहीं है कि उसको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगी, मतलब वो उसको दो राज्यों की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. ओके, या ना तो किसी स्टेट की और ना यूनियन की, उसको किसी एक का ही मिलेगा, या तो स्टेट का होगा या फिर यूनियन का हो सकता है. ही गेट्स ओनली सिटीजनशिप एंड दैट
इज़ द सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया, उसको हो सकता है जो सिटीज़नशिप है यानी नागरिकता है वो कहाँ का मिलेगा, भारत का। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।